गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, माई सेल्फ अशरफी पाल फ्रॉम ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर, पीजीटी बायोलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेवेंथ स्टैंडर्ड साइंस लेसन। द नेम ऑफ लेसन इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आज जो लेसन 11 है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना है। अ लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। हर जीव के अंदर मिलियंस की तादाद में हमारे शरीर में सेल्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म में एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव। और इन्हीं सेल्स के आधार पर हर जीव अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को मेंटेन करता है, सर्वाइव करता है। एंड ऑल इट्स सेल्स मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन, वाटर एट्सेट्रा। और इन्हीं सेल्स के जरिए जो एसेंशियल सब्सटेंस हैं, जो जरूरी तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे लिए हमारा भोजन है, ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी है, तो ये सभी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्हीं सेल्स के जरिए पहुँचते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये लेसन का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एज बी नो इन एवरीडे लैंग्वेज ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बट इन केस ऑफ बायोलॉजी, इन केस ऑफ साइंस, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट हमारे जीवन की वो प्रक्रिया है इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट्स, जिसमें हमारी बॉडी के में जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे शरीर में कुछ सिस्टम काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, इसमें दैट सप्लाईज फूड वाटर, जिसके जरिए हमारे शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड की सप्लाई होती है, वाटर की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है थ्रू आउट द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन है, और भी हमारी बहुत सारी जो चीज़ होती हैं वो शरीर से जब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर निकलते हैं तो वो भी एक प्रकार का हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं। वन इज़ ब्लड एंड सेकेंड इज़ ब्लड वेसल्स। दो मेन पार्ट होते हैं इसके, एक तो ब्लड होता है और दूसरा ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड में यदि हम देखें कि जो ब्लड है, ब्लड को देखें तो ब्लड एक रेड कलर्ड लिक्विड होता है विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी, जो हमारे शरीर में सर्कुलेट्स होता है। ब्लड रेड इसलिए होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है इन इट्स रेड सेल। और ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड किन्हीं भी दो चीज़ों को एक जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स, ब्लड चार चीज़ों से मिलकर के बनाता है। ब्लड के अंदर फोर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज RBC, इट मीन्स रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड इज WBC, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। थर्ड इज प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये चार चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और RBC रेड ब्लड सेल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा हमारी बॉडी में क्या है। प्लाज्मा को यदि हम देखें तो द लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा इज कलरलेस लिक्विड। प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ वाटर। बट प्लाज्मा के अंदर बहुत सारा वाटर होता है विद मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन। और इस प्लाज्मा में ही वाटर की वजह से बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो डिजोल्व होते हैं, इट मीन्स घुले रहते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90% अगर हम देखें तो पानी होता है। और प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजोल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स। प्लाज्मा बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व
करता है, जैसे वो प्रोटीन्स क्या है, वो सब्सटेंस है हमारे प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन साल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और प्लाज्मा हमारे शरीर से इन्हीं डिजोल्व सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर के जाता। सेकेंड RBC, जो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, उसके कारण हमारी जो ब्लड होता है वो रेड होता है। इनसाइड देम रेड ब्लड सेल्स आर कैरीज ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे शरीर में होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इट मीन्स ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर के जाता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे लंग्स से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम RBC का है। इट इज़ एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC विच कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑक्सीजन को तो कैरी करता ही है। हीमोग्लोबिन कैरी सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिजोल्व फॉर्म, और RBC सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, RBC की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, मतलब गोल होती हैं, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो जो राउंड सी जो सेल्स हैं जो शेप में हैं ये सारी की सारी हमारी RBC है। RBC मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग टाइम, RBC बहुत समय तक जिंदा नहीं रहती हैं, ये बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है। ईच रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर अबाउट 4 मंथ, 4 महीने का एक लाइफ स्पान होता है, 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, 4 मंथ तक RBC जिंदा रहती है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। वन रीजन फॉर द शॉर्ट लाइफ ऑफ RBC इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इसीलिए इसका शॉर्ट लाइफ इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर इनका न्यूक्लिया ही नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड डेट अबाउट 3 मिलियन RBC ऑफ द ह्यूमन ब्लड, एक अनुमान के तौर पर लगभग हमारे शरीर में 3 मिलियन RBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड डाई एवरीडे, लगभग 3 मिलियन जो RBC है वो हमारे ब्लड में डाई हो जाती हैं, बट 4 टाइम्स दैट नंबर आर मेड, लेकिन उसके 4 गुना हमारे शरीर में अगर 3 मिलियन RBC हमारे ब्लड से डेड हो गई हैं तो उसका 4 मल्टीपल 12 मिलियन RBC हमारे शरीर में उसी दिन बन जाता है। व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, जब हम अपना ब्लड किसी को डोनेट करते हैं, ब्लड दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो देन द लॉस ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड का लॉस होता है फ्रॉम अवर बॉडी, कैन बी मेड अप वेरी क्विकली विद इन अ डे, उस स्टेज में RBC बहुत तेजी के साथ बनता है। सेकेंड पार्ट है हमारा ब्लड का WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बीमारी के खिलाफ लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को सिक्योरिटी एक प्रदान करता है, इसीलिए WBC को हम अपने शरीर का एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है, वो WBC है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर टिनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म ऑन द बोन मेरो, प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे बोन मेरो में बनता है, और बोन मेरो क्या है, बोन मेरो इज अ होलो पार्ट ऑफ बोन, हड्डी का जो खोखला भाग है वो हमारा बोन मेरो है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, प्लेट्स के अंदर भी न्यूक्लियाई नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होता है, जो कोगुलेशन होता है, जो थक्का बनता है, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, इट मीन्स ब्लड जाम नहीं हो पाएगा इन आ कट और बाउंड, जिससे हमारे शरीर पे अगर हल्का मेजर या माइनर सा कट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। व्हेन अ कट और बाउंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लॉट द ब्लड, तब प्लेटलेट्स उस ब्लड को रोकने का काम करता है, ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप्स। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, ये ब्लड था हमारा। तो ब्लड के हमने कंपोनेंट्स देखे, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन जो वाइंड करता है ऑक्सीजन को एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। इट विल अ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कैरी करने का काम करता है। और प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया। ब्लड के कंपोनेंट तो हमने देखा, अब ब्लड के साथ में ब्लड को लाने और ले जाने के लिए कुछ वेसल्स होती हैं, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। आवर बॉडी कंटेन्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, हमारे शरीर में एक नली के समान कुछ रचनाएं होती हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। ये तीन प्रकार की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज, दीज ब्लडेड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट द कंटेन ऑक्सीजन इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का, बहुत तेज तो हार्ट करता है, जब काम करता है हार्ट तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस टाइप से काम करता है, जैसे मुट्ठी को बंद करना है और मुट्ठी को खोलना है, मुट्ठी को बंद करना है मुट्ठी को खोलना है, हाथ की मुट्ठी को, तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार से जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तेज़ी से तो हमारा ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। आर्टरीज हैव थिक बॉल्स, आर्टरीज की जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर चलता है वो बहुत हाई चलता है, बहुत हाई प्रेशर से उनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। दे आर नैरो सो द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम। दे डू नॉट कंटेन वॉल्व्स एज द ब्लड इन द आर्टरीज ऑलवेज फ्लोज इन द राइट डायरेक्शन, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड हमेशा बहता है वो राइट डायरेक्शन में बहता है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है डेट कनेक्ट्स द हार्ट टू द लंग्स, जो हार्ट को लंग्स से हम जो फेफड़ों जोड़ने का काम करती है। इट टेक्स ब्लड डेट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हेंस इट इज द अनलाइक ऑल अदर आर्टरीज दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन्स, आर्टरीज के बाद में सेकेंड पार्ट जो है ब्लड वेसल्स का वेन्स है। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट, यानी हमारे ब्लड से इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से खींच करके एब्जॉर्ब करके हार्ट को पहुँचाने का जो काम होता है वो वेन्स का होता है। वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स, वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्वाइट लो, प्रेशर बहुत कम होता है, जबकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर हाई प्रेशर में ब्लड बहता है और वेन्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो लो प्रेशर में होता है। दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरीज, दे कंटेन वाल्व्स द प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को रोकने के लिए इनके अंदर इसमें बल्ब लगे होते हैं, क्योंकि इनमें जो ब्लड बहता है वो अपोजिट डायरेक्शन से आता है और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है। इसमें भी वेन में पल्मोनरी वेन्स होती हैं। थर्ड है हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, और कैपिलरीज आर्टरीज डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरीज विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स हुआ कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द वेन्स, द कैपिलरीज है। इसके बाद पल्स एंड पल्स रेट, पल्स होती है हमारी सडन, हमको कोई भी फीवर आता है या बॉडी में कोई और प्रॉब्लम होती है या कोई वीकनेस फील होती है या ऐसा हमको फील होता है कि हम थोड़ा अनहेल्थी हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे हाथ को कलाई से वहाँ से पकड़ता है और कुछ एग्जामाइन करते हैं, वहाँ से पल्स को चेक करता है। पल्स को चेक करता है द कंटिन्यू पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज रिजल्ट इन द रिदमिक थ्रोविंग मूवमेंट्स विच इज कॉल्ड पल्स, वो पल्स कहलाती है हमारी। पल्स की एक पल्स रेट होती है, पल्स रेट किसी भी जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट, कि हमारे जो दिल की पल्स रेट का मीन्स होता है हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो एक मिनट में लगभग हमारा जो हार्ट होता है वो 72 बार 72 टाइम्स 72 73 74 भी हो सकता है इतने टाइम्स
उसकी बीटिंग होती है, इट मीन्स धड़कता है। ये हार्ट का डायग्राम है, आप देख रहे हैं हार्ट का डायग्राम, आपको अपनी नोटबुक में ड्रा कर लेना। ये सारे पार्ट दिए हुए हैं, आर्टरीज है, वेना कैवा है, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। हार्ट बीट, हार्ट बीट यानी ये दिल की धड़कन है हमारी। हार्ट बीट में द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। जो वॉल्स होती हैं, जो चैम्बर्स हैं हार्ट का हमारा, वो बहुत सारी मसल्स से मिलकर के बना है। दीज मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करती हैं। दिस रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, और यही जो है हमारा मिलकर के हार्ट बीट बनाता है। यहाँ पर डायग्राम में आप एक स्टेथोस्कोप देख रहे हैं, जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं, कान में लगाते हैं और फिर किसी भी रोगी के या पेशेंट के जिसको कुछ ऐसा फील होता है, उसके चेस्ट पर लगा करके उसकी दिल की धड़कन को चेक किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्टेथोस्कोप मेडिकल साइंस में बोलते हैं। दैट इज़ यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को सुनने का काम करता है, क्योंकि उसकी जो साउंड होती है बहुत ही लो साउंड होती है, हम सीधे सीधे डायरेक्टली इसको नहीं सुन पाते, इसी की हेल्प से हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं किसी भी पर्सन की। इट एम्प्लीफाइज द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर्स कैन मॉनिटर एंड फाइंड आउट द पेशेंट कंडीशन। कुछ एक जनरल जानकारी है, क्वेश्चन आता है कि डू ऑल एनिमल्स पोसेसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या सभी जीवों के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पंजेस डू नॉट पोसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइड्रा के अंदर और बहुत सारी स्पंजेस होती हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, क्योंकि ये एनिमल्स वाटर में रहते हैं, एंड हैंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये ऑक्सीजन और अपना जो भोजन होता है वो पानी से ही लेते हैं। एंड वाटर इज इट एंटर्स देयर बॉडीज, एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडीज, और पानी इनके शरीर से ही बाहर आता है। इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ इट। कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर मटेरियल होते हैं वो भी इनके इसी पार्ट से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये यहाँ पर एक आप पिक्चर देख रहे हो, ये बिलियन हार्वे सर हैं, एक इंग्लिश फिजिशियन हैं विलियम हार्वे, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की जो खोज है, किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन मानव के शरीर में होता है एक जीव में, उसकी जो डिस्कवरी किया वो विलियम हार्वे ने किया। तो आप इस स्लाइड को देखना, ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था, ट्रांसपोर्टेशन था, कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किस बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे होता है, आज की स्लाइड ये है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। आप ये सारे जो नोट्स हैं इनको अपनी कॉपी में मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।